हरियो म्यूजिक के हर एक नया वीडियो देखे खाती हमरा चैनल के सब्सक्राइब करी और बेल आइकन के बटन जरूर दबाई ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। क्या बात है, ओहो बार सनी भाई। अच्छा भैया, बिरहा के गीत संगीत के सुना वाले माता बहिन भैया बाबू के हम भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक बीरेंद्र यादव बीरू तहबरपुर आजमगढ़ बिरहा के कैसेट हरिओम म्यूजिक के सौजन से बड़का भैया अभिमन्यु यादव के देखरेख में आप लोग के बीच में भेज रहा बानी सहयोगी हमरे संदीप भैया, महेंद्र भैया, रोहित भैया, सिद्धू विजयी तमाम सहयोगी भाई। एगो बिरहा आध्यात्मिक बिरहा, एक कलयुग में एक भगवान स्वरूप एगो भक्त का कहानी बतावे चलत थीला, जेके लोग ए समय गया बाबा के नाम से लोग जानेला। एक कहानी का हमक बा मास्टर बिरहा में भूमिका का लाइन दिहल गई। दूसरों के लिए धार सरिता की बहती, दूसरों के लिए वृक्ष फलते सदा है, परहित से बढ़ के धर्म नाही दूजा, अवतारन बदे संत रहते सदा है, धर्मधारी धरा हिंद की है युगों से, जहां राम श्याम और आए थे बाके, संतों की अदभुति करिश्मा रही, धर्म की ओर चादर को दिन कर भिजा के, अगर क्यों वृक्ष लगावेला इना सोचला कि फल हम ही खाई, अनेक लोग फल खाल। ये कहानी कहवा कबा भैया एक लाइन गजल लगल। इतने करीब या के दगा दे गई मुझे, इतने करीब या के दगा दे गई मुझे,
कबीर जी के तनी बढ़िया बात बिरहा के अंदर दहल सबके बदे है। सागर से गहरी होती है नयन की ऊंचाई। सागर से गहरी होती है नयन की ऊंचाई, पर्वत को मात दे गई नयन की ऊंचाई। यह नयन कहल गई, नयन से नयन मिल नयन चार होते, नयन से नयन मिल नयन चार होते, नयन ही मोहब्बत का इजहार करते। लगे नयन सिर तो दिल होते घायल, कभी सुखी बगिया को गुलजार करते। यह नयन भगवान से लगल जिंदगी बन गई, यह नयन माई बाबू से लगल प्यार दुलार बढ़ी गल, यह नयन यहाँ वहाँ बहक गल रोहित भैया ते चेहरा का कलर वे बदलिए। एगो भक्त का कहानी बतावत थीला, ये हमारे आजमगढ़ जिला तहबरपुर थाना, एगो गांव पड़ला चकिया दुबे रामपुर, वही के रहे वाला राम समूज राम जोन लोग रस खान के नाम से जाने, इंग्लिश के लेक्चरर भगवान उनके पत्नी के नाम बतावे शर्मिता देवी। भगवान का मर्जी उस शर्मिता के राम समूज के बीच में पांच गो बेटा भइल, तीन गो भी बेटा दू गो बितिया। बड़के बेटवा का नाम दुर्गा प्रसाद, बिचल के बेटवा का नाम सुभाष, छोटा बेटा चंद्रभान, दू गो बितिया है आरती अनीता। खुशी खुशी दिन बीतत बा हो भैया, एक दिन का बात बा धीरे धीरे लड़का पुरसयान होखे लगल। माई बाबू अपने बचपन के पढ़ावा लिखावे लगल, आ जब पढ़ लिख के लड़का कुलसयान होखे लगल, यहाँ दुर्गा प्रसाद के मन बैराग में लग गई। आ जब मन बैराग में लग गए बाबू बचपन से भगवान भोलेनाथ के माई दुर्गा के दुर्वासा ऋषि के दत्तात्रेय चंद्रमा ऋषि के पूजा पाठ करे लगल। जब पूजा पाठ करे लगल हो भैया, यह दुर्गा धीरे धीरे सयान होखे लगल, मान मर्यादा बढ़े लगल, तब एक लाइन गीत लग गई। है गीत कोनो मेहरारू अपने मन से धुआ से बतावत थी, का बतौली टिकवाल बलबुआ मांगी का सिंगार लाल। आज दुर्गा प्रसाद का मान सम्मान बढ़े लगल, लोगन में पुकार होखे लगल, अरे बा ई तो दुर्गा इंसान भगवान के रूप में आ गई। होत का है दुर्गा प्रसाद जेकर चमकत बा चादया, तबा चरण में देखा
दुर्गा के शरण में बहुत दूर दूर से, क्यों गाजीपुर से, बलिया से, बनारस से, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, बहुत दूर दूर से लोग अवल बाबा के मुराद लेके कहना है। प्रभु के चरण में आके नहीं आला गावाला, ताके पावाला गया बाबा नाम पाला सुघरा मिजाजिया, गया बाबा नाम पालल सुघरा मिजाजिया, जगीर तबा चरण में देखा सकरो समाजिया, जगीर तबा चरण में देखा सकरो समाजिया। इतनी घोर तपस्या कैले दुर्गा प्रसाद कि देवी देवता का आशीर्वाद मिले लगल। माई दुर्गा प्रगट हो गई, कहली बेटा तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न, तुम क्या चाहते हो? कल हमारे माई से पूछिला, माई शर्मिता देवी अली, कहली बेटी तुम अपने बेटा के लिए क्या चाहती हो? कहली माई हम बैराग चाहतीला कि हमार बेटा साधु संत बन जाए। आज माई बहुत ऊंची चीज मांग ले, कोनो मतारी अपने बेटावा के बैराग मांगी, जोग मांगी, लेकिन माई शर्मिता अपने बेटवा दुर्गा खातिर बैराग मांग लेली कि जोगी बना दा, साधु बना दा। भैल का मास्टर कवन गीत है, ए पीड़ा ए पीड़ा काशी बता दा कितनी पूरा पायरन में छाले पड़ी गाय, लेकिन हर माई जब बैराग मंगले है वो कमन समय रहल, कवन महीना रहल, कवन सन रहल, कहना है। ए भैया खिलल जब भक्ति का गुलाब धारा पर ना जा बाबा कोई, भक्ति में रम गए हम दुर्गा प्रसाद कवन दिन रहल। बिस्मय रविवार का बतिया, बोला बरसू से छलका लारू अब धारा पर ना जा बाबा कोई, बीस मई रविवार 2008 का समय रहल, भोराहरी में सुबह का उठ के स्नान करके माई दुर्गा के चौरा में जाके अगरबत्ती फूल प्रसादी चढ़ावत हुआ, भगवान भोलेनाथ प्रगट हो गई, भगवान भोलेनाथ जब प्रगट भैल
लोग कहेला कि वास्तव में भगवान भोलेनाथ प्रकट भेल रहल। भैया भगवान भोलेनाथ प्रकट भेल कहल बेटा तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न कोई वरदान मांग लो। कलम वरदान हमके कुछ ना चाहिए, हमें यह चाहिए जे हमारी कहना जे के हम मट्टी उठा के दे दे वो अमृत बन जाए। भगवान भोलेनाथ यो मस्त कहल आ कई के अंतर ध्यान भेल बिरहा में टेरी लग गई। अरे सीता राम जग में चमकी तोहरो मिलल वरदान शिव से पुलकित भैयरवा। अरे ही अरवा अरे ही अरवा भगवान भोलेनाथ कलन सीतारवा जग में तोहरो चमकी ए बेटा जेके तू चाहबा हमके याद कई के मट्टी देबा वो सोना बन जाई। आखिरकार गया बाबा चलना अयोध्या 13 अगस्त सन 2013 के जब अयोध्या चल रहा हूँ वहां से अलम संत के उपाधि पा के जब संत को उपाधि पा के सबसे पहले दुर्वासा ऋषि दुर्गाचार दत्तात्रेय चंद्रमा ऋषि भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पे बसल काशी नगरी पहुंचला जाके हवन पूजन कैल वरदान लेके ऋग बाबा के घरे अल। आ जब ऋग बाबा के वरदान पौल हो भैया घरे अल लोग पुकार करत हवे वही गंगा के तट पर जाके अभिन भी बाबा अपन आसन मारल आ कई महीना तक तू खनवे ना खल एक लाइन गीत लग गई। है गीत हो सुन कैला रजऊ ओ सुन कैला रजऊ का चौड़ी गली सुन कैला रजऊ मिर्जापुर के कैला गुला जारी हो मिर्जापुर के कैला गुला जारी हो का चौड़ी गली सुन कैला रजऊ लेकिन बिरह के लाइन में कतनी बढ़िया बात कवि जी दे हलन कबल कैला मितवा ओ कबल कैला मितवा की गजब कमाल कैला मितवा आ बाबा का सुनबा बाबा का सुनबा यह बरहाल हो गजब कमाल कैला मितवा बगहूत गुरु दोला चार के ठेका नवा चंद्रमा मुनि दाता का कैला दर्शनवा गजब कमाल कैला मितावा गजब कमाल कैला मितावा की भक्ति मारहिया में उछाल हो की गजब कमाल कैला मितावा। आज बाबा का सितारा चमकत हो द्रोणाचार्य बगहुत बाबा चंद्रमा मुनि द्रता जी के दर्शन पा के बाबा के दिल खुश भेल हो। आ जब घरे अलम 2014 जुलाई के महीना रहल जुलाई के महीना में हो भैया आज राम मदन यादव के साथ वही गांव के रहे वाला चकिया दुबे रामपुर के राम मदन के साथे बाबा दुर्वासा ऋषि के जाए के तैयारी कैले हुआ वहर से पानी होत जुलाई के महीना में बाबा ध्यान कैल उतर के पिशाब करत हवा
राम बदन यादव कहल कहलन भैया बड़ा तेज पानी है, कहल कि ठीक घबरा मत। वही से भगवान भोलेनाथ के याद के हाथ उठौल कल भगवान तुहरे तो हाथ में इज्जत पानी तुहर तो दर्शन करे जा कम से कम पनिया रोका दर्शन करके आये तो बरसिहा। जब वही हाथ उठौल आ जब हाथ उठौल पानी रुक गए अब पानी रुक गए हो भैया। आ जब वहां से पूजा पाठ करके रात के 12 बजे जब घरे अल बाबा गया बाबा त रात के वक्त भैल का बिरहा में आल्हा लग गए। सबके दिखायल पड़ल काल का पहरवा भैया लाग की हो जाई धरा किया वीरान कल राम बदन यादव बाबा के समनवा भैया भाव कैला है भैया शिवजी पर सच्चा मन से कैला हो गया बाबा तापन शक्ति से पानी रोक दिले हवा। यहाँ राम बदन यादव अलग अलग आए भैया एक दुका कैले हवा पनिया रोक दिला खोलबा है जीव जन सब परेशान सूखा परत हो। सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ के गया बाबा दुर्गा प्रसाद जब याद कैल तब का भयल वही जैबा फेला यागर हम परीक्षा में हो करी पिसवा सदाई बाबा राजावार भगति से आपने यार भगति से आपने सु मिल इंद्र देवा के हो वही गया बंदा भारी बरसा हो तूफान कर जय जयकार गया बाबा के नगरिया भैया जे वही बाबा अपने शक्ति से इंद्र भगवान को सुमिरल कहला तू चालू करा हमसे गलती हो गई। आ जब इंद्र भगवान आंधी तूफान लेके अल फिर लोग दौड़ल भैया का दिला तो पनिया रोकी दिला आ फिर तूफान ले आ दिला 2014 जुलाई के महीना में और लोग दौड़ लगल तो अपने फिर वहीं से मंदिर में जाके दुर्गा जी के सुमिरल भगवान भोलेनाथ के इंद्र भगवान के वहीं से बरसात तूफान जब कुल शांत भइल दूसरे दिन प्रातः सुबह फिर भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गई कलम भक्त आज बाद ऐसी गलती मत करना पानी मत रोकना तुम्हारे दरवाजे पर जो आएगा अगर तुम मिट्टी उठा कर दोगे वो अमृत बन जाएगा। ए बेटा हमारे कहने पर चलोगे तुम आगे बढ़ जाओगे तुम्हारा नाम हो जाएगा गुणगान होगा बखान होगा। भगवान भोलेनाथ जब प्रकट भइले तब भइल का खड़ी के लाइन में शिव बचनिया वही घर तुहरे भक्ति का पता का हो जगत में फहार कहलाय अंतर्यामी शिव बचनिया वही घरी तुहरे भक्ति का पताका हो जगत में फहरी। भगवान भोलेनाथ कहल बेटा कुछ दिन तुम्हें त्याग करना होगा कहल क्या त्याग करना होगा मुझे
भगवान भोलेनाथ कहलन त्याग करना है, मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो तुम्हें अन्न त्याग करना है, फल त्याग करना है, नीरा जल रहना है। बाबा कितना दिन रहे कि भगवान भोलेनाथ बतौल फल त्याग दस माम तेरा अब दिनमा हो, तेरा जून सन पंद्राम भयल पिता का मरनवा हो। कैला प्रभा भोज द्वारा जुटल नगरी तोहरी, तोहरे भक्ति का पत्ता का हो जगत में फल। भगवान भोलेनाथ कहले बेटा तुम भक्ति के पाने के लिए, ज्ञान को पाने के लिए तुम्हें त्याग करना होगा। दस महीना तेरा दिन तुम्हें न जल न खाना खाना है और न तो फल खाना है, केवल नीरा जल रहना है। करण स्टेशन आपका आदेश धीरे धीरे पूजा पाठ करे लगन 2015 का समय आ गई। यही बीच में बाबू का देहांत होगा, आप समुद्र स्थान के दुनिया के छोड़ के चल गई। आज भी 13 जून के दिने हर 13 जून के साल में एक बार भंडारा होला, बरखी मनावल जाले, बिरहा होले, तमाम कलाकार बड़ा से बड़ा छोट से छोट कलाकार वहां आवेल, बिरहा गावेल, बाबा के आज दिहल भगवान भोलेनाथ को बाबा के वरदान का हो और का सब पावत हो कहना है। भूत प्रेत बाधिन का करम बाबा अब कल्याण हो, अगुण बहिरा गाँव सुनम साबित बरदान हो। काटा दिन दुखी अधिकम अरे गले का फसारी ता तोरे तोरे भक्ति का पता का हो जगत में फल। आज भी हमहन जैसन छोट गवैया बाबा के शरण में जाए जला, तमाम दूर दूर से लोग अवला जेकरे देही पे सफेद हो, चरक हो, कोढ़ हो, बाबा के शरण में जाला। बाबा अगर मट्टी उठा के दे दे तो ओकर जीवन सुधर जाला, पूरा कोढ़ खत्म हो जाला। जेकरे लाल ना हो थम बाझिन लोग जाली 90% वहां से रोवत जाला लोग गोदी में लाल लेके अवेला। बाबा में अपार शक्ति है, भूत प्रेत का कोनो बतिया ना है, छू कर देल तो दोबारा सामने ना आई है। तो ऐसा ऐसा भक्त लोग धरती फेव और जे विश्वास न हो, उजा के मंझारी के बगल में चकिया दुबेरामपुर गांव हो, दुर्वासा ऋषि के पहले कंतुगंज बाजार में जाके पता लगाई दुर्गा प्रसाद में वो चमत्कार हो कि ना। बाबा का यो चमत्कार है कि बाबा पानी पे नंगे पांव खड़ा होकर डोल दिल, हम अपने आंखी से देखले हैं। आखिरी में कहना है ऐसा ऐसा संत के नमन है। गुरु गणेश गुरु रामलाल बिरहा के बाद सवारे, बच्चन यादव कवि चंद्रिका लाल सदा सहारे। जग में चमकी तोहरो बिरंदर कवि मुसाफिर गुरु का सहारा, सितरवा जग में चमकी तोहरो। प्रेम से बोलिए गया बाबा की, प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की।